हेलो गाइस, दिस इज समीर वाडकर और आप देख रहे थे समीर शो। गाइस, इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर वाइवास और ओरल्स। गाइस, करंटली आई एम इन द सेमेस्टर 7। सो गाइस, आप मुझे यार अच्छा एक्सपीरियंस है। टिल सेमेस्टर 6 आई हैव गिवन सो मेनी वाइवास टिल नाउ। तो यार, एक गाइडेंस के तौर पर आप मुझे एक ले सकते हो। आज के वीडियो में बताऊँगा कि किस टाइप के एक्सटर्नल्स हो सकते हैं, कैसे आपको टिप्स दूंगा या फिर कैसे आपको वाइवास में बोलना है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही आपको एक सरप्राइज और बोनस देने वाला हूँ, ये वीडियो के कहीं पर भी मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वाइवास आपके कैसे कंडक्ट किए जाएंगे। हो सकता है कि कई बार आपको इंडिविजुअली वाइवा के लिए बुलाए, बट मैक्सिमम टाइम आपको ग्रुप्स में बुलाते हैं, मतलब 3-4 स्टूडेंट को एक साथ वाइवास के लिए आपको बुलाते हैं। तो गाइस, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लीजिए, लाइक जूम पे होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होगा। तो जब वो आपको स्टूडेंट को बुलाएंगे इन द ग्रुप ऑफ 3 और 4, तब आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर 2 लोग बैठे होंगे, एक तो एक्सटर्नल होगा और एक दूसरा आपके प्रोफेसर होंगे। तो जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, मार्क्स देंगे, ये काम एक्सटर्नल का है। आपके प्रोफेसर सिर्फ वहाँ पर बैठेंगे और आपको देखेंगे कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो गाइज, आप 3-4 ग्रुप्स में जाओगे और वाइवा स्टार्ट होगा। एक्सटर्नल सबसे पहले स्टार्ट करेगा स्टूडेंट 1 के साथ। स्टूडेंट नंबर 1, टेल मी अबाउट दिस, ओके, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस कंसेप्ट। तो स्टूडेंट 1 आंसर देगा, ठीक है। तो उसने आंसर दिया, फिर क्वेश्चन स्टूडेंट नंबर 2 को एक्सटर्नल पूछेगा, ओके, स्टूडेंट नंबर 2 टेल मी अबाउट दिस कंसेप्ट। फिर अगर स्टूडेंट नंबर 2 को अगर उसका आंसर नहीं आता, तो सेम क्वेश्चन स्टूडेंट नंबर 3 के पास चला जाएगा। अगर स्टूडेंट 3 को भी कुछ नहीं आता, तो स्टूडेंट 3 का वही क्वेश्चन स्टूडेंट नंबर 4 के पास चला जाएगा। अगर स्टूडेंट 4 उसका आंसर देता है तो ठीक, नहीं तो फिर से वो क्वेश्चन उसके पास। अगर किसी को भी नहीं आ रहा, तो वो सर क्वेश्चन को रिमूव देंगे, आंसर बिल्कुल भी नहीं देंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ओके, स्टूडेंट नंबर 2 टेल मी अबाउट दिस, स्टूडेंट नंबर 4 कैन यू एक्सप्लेन मी दिस, कैन यू गिव मी द एग्जांपल फॉर दिस कंसेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे एक दूसरे। तो गाइस, इस ग्रुप में कई बार क्या होता है, बहुत एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर्स देगा, तो गाइस बेसिकली बात है उसको थोड़े अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। और एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो बिल्कुल भी आंसर नहीं देगा, या फिर स्टूडेंट या फिर एक्सटर्नल का मूड खराब करेगा, तो गाइस उस केस में उस स्टूडेंट को बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में थोड़े कम मार्क्स देंगे डेफिनेटली। तो गाइस, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सबको गंदे मार्क्स या फिर सबको अच्छे मार्क्स देंगे। तो गाइस, इसके बारे में थोड़ा आगे जाके बताऊंगा कि कैसे मार्क्स देते हैं, बट बिफोर दैट अभी इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है। तो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक मेरा ये रहा है कि गाइस, जो भी आपको अगर क्वेश्चन पूछा है, तो गाइस आपको उसका आंसर देना ही है, आपको चुप नहीं बैठना। अगर आप चुप बैठते तो गाइस इट इज टेलिंग दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर, और आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो कोई भी सिंपल सा भी क्वेश्चन है तो भी आपको आंसर देना है। लेट सपोज अगर आपको क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंसेप्ट, लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मूला आपको बताना है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताना, आपको उसका टाइम एक्सटर्नल का बढ़ाना है। मतलब आप फॉर्मूला बताओगे, फॉर्मूला फॉर दिस क्रिटिकल वेलोसिटी इज दिस, बट आपको वही रुकना नहीं है, आपको और आगे बढ़ना है। और द SI यूनिट ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज दिस, क्रिटिकल वेलोसिटी कैन बी अप्लाइड इन रियल लाइफ इन दिस सेक्टर, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन भी बता रहे हो, आप SI यूनिट भी बता रहे हो, आप फॉर्मूला भी बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो तो सिंपल सी बात है क्वेश्चंस रिड्यूस होंगे। अगर आप सिंपली एक वर्ड में आंसर दे रहे हो, तो चांसेस है कि वो एक्सटर्नल आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा बोलना है और आपको चुप नहीं बैठना। तो गाइस, अभी मुझे याद आ रहा है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था और BEE का ही वाइवा चल रहा था, तो गाइस क्लासरूम में बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो एक्सटर्नल ने और प्रोफेसर ने बताया था 3-4 स्टूडेंट को हमारे पीछे आके बैठ जाओ, टेबल के पीछे, और टेबल के आगे सारे स्टूडेंट थे और एक्सटर्नल वाइवा ले रहे थे। तो हम 3-4 स्टूडेंट को हमें पीछे बैठ, मेरा रोल नंबर लास्ट में होता है, वाडकर सर ने लास्ट है, तो इसलिए मेरा रोल नंबर लास्ट में, मेरा वाइवा सबसे लास्ट में होता है। तो गाइस मैंने क्या किया, मैं एक्सटर्नल के पीछे बैठा था, तो मैंने सारे स्टूडेंट के वाइवास देखे। तो गाइस एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग में मेरे भी अभी तक सारे वाइवास अच्छे नहीं गए, मेरे भी बहुत बुरे वाइवा गए, बहुत अच्छे भी वाइवा गए। तो गाइस अगर आपका वाइवा गलत डायरेक्शन में जाता है, गंदा जाता है, तो आपको बुरा फील नहीं होना चाहिए।
गाइस जब मैं पीछे बैठा था तो मैंने सारे स्टूडेंट के वाइवास देखे थे, बहुत ही हॉरिबल वाइवा था, मुझे अभी भी याद है क्यों, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वाइवा था इन द इंजीनियरिंग और सब लोग सबका नया था, तो गाइस मैं बहुत पीछे बैठ के हंस भी रहा था बिकॉज स्टूडेंट को आंसर ही नहीं आ रहे थे, मतलब एक्सटर्नल पूछ रहा था स्टैंड अप गो एंड शो मी वेर इज द ट्रांसफॉर्मर, स्विच ऑन दैट, स्विच ऑन दिस प्लग इन, तो ऑल्सो लाइक अटैच द रेजिस्टेंसेज, तो गाइज ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो और स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आ रहा था बिकॉज सब्जेक्ट गाइज हर कोई यार टॉपर नहीं होता, हर एक को बहुत अच्छा नॉलेज नहीं होता, तो कई बार क्या होता है बहुत स्टूडेंट का गंदा वाइवा जाता है, और ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको बिल्कुल भी एक क्वेश्चन भी नहीं आता, बट उस टाइम पे फिर एक्सटर्नल बोलेंगे अच्छा तुझे जो कुछ भी आता है वो बता तुझे क्या आता है, फिर वो जो बोलेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक कुछ स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं आता, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बी डब्ल्यू, तो गाइस ऐसे भी होता है, तो गाइस सबके वाइवा अच्छे जाते हैं ऐसा नहीं है, सब अच्छे जाएंगे बुरे जाएंगे डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल, तो गाइस अभी मैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल बता दूं किस 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 टाइप के एक्सटर्नल्स होते हैं और इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिलेंगे। गाइस फर्स्ट टाइप है बहुत ही यार हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं ड्यूरिंग वाइवा, तो गाइस ऐसे भी होते हैं। फिर सेकेंड टाइप के होंगे आपको मतलब बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे, फ्रैंकली रहेंगे हमारे साथ, हंसेंगे, इस टाइप के भी होते हैं, और बहुत बार ऐसे भी होते हैं एक्सटर्नल बहुत लेट आते हैं और फिर एक दो क्वेश्चन पूछ के चलो फटाक से वाइवास ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी हरी में आपको अच्छे अच्छे मार्क्स देके जाएंगे। गाइस ऐसे भी एक्सटर्नल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्टार्टिंग में ही बोलेंगे स्टूडेंट्स लाइक टेल मी विच एक्सपेरिमेंट विच कंसेप्ट विच सब्जेक्ट यू हैव प्रिपेयर्ड विच टॉपिक यू हैव प्रिपेयर्ड, तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन में पूछूंगा, ठीक है, तो वाइवास जब ऐसे एक्सटर्नल्स होंगे तो गाइज आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज वो आगे से बोल रहे हैं कि आपको कौन सी चीज़ें आती है, आपको कौन सा सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करके आए हो, कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो, कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करके आए हो, तो अगर ऐसे एक्सटर्नल पूछ रहे तो गाइज आपका बेनिफिट है, आप जो प्रिपेयर करके आए वो सिंपली बता दो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसे भी एक्सटर्नल्स होते हैं। तो गाइज इसके बाद में आपको अभी टिप्स एंड गाइज कैसे प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं अभी ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है आपके बी डबल ई मैकेनिक्स जो कोई भी सब्जेक्ट है उसको सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ आप अभी देख लो कितने, फिर एक एक को पढ़ते जाओ सारे अपने पढ़ लिए तो आपको एम पता होना चाहिए, एम क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में हम ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसको इस एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे होता है, फिर इसके रिलेटेड कोई थ्योरम है कोई प्रिंसिपल है वो हमें पता होना चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट में कितने सारे फॉर्मूलाज है तो वो फॉर्मूलाज भी पूछ सकते हैं, ठीक है, थीके? फिर ये कंसेप्ट का एग्जांपल या फिर यूज़ रियल लाइफ में कहाँ पर होता है, इसके एप्लीकेशंस बता सकते हो तो वो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ठीक है ऐसे रिजल्ट्स क्या आता है। तो गाइस आपके पास अभी टाइम बहुत कम है तो गाइस वाइवास भी आई गेस उतना डिफिकल्ट नहीं जाएंगे आपको, एक्सटर्नल भी थोड़े इजी क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो आपको सिर्फ दो तीन ऐसे एक्सपेरिमेंट है चाहे दो या फिर एक, एटलीस्ट एक एक्सपेरिमेंट दो एक्सपेरिमेंट एक अच्छे से करके जाओ, उसके रिलेटेड सब आपको पता होना चाहिए, इसका प्रिंसिपल इसके फॉर्मूलाज इसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस सारे कुछ चीज़ें आपको दो एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी आनी चाहिए, उसका सिलेबस भी देखो आप बुक भी रेफर करो और सारी कंसेप्ट आप उस सब्जेक्ट में क्लियर करके रखो, और जब आपका वाइवा होगा तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आपको देना आना चाहिए। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे देखो अगर आपका रोल नंबर थोड़ा लेट है तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि जितने भी स्टूडेंट का ऑलरेडी वाइवा हो चुका है आपको क्या करना है, उनको कॉल करो, आपको उनको टेक्स्ट करो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जल्दी बता, तो क्या करेंगे वो क्वेश्चंस आपको बताएंगे, तो क्या होगा जब वो आपको क्वेश्चंस बताएंगे तो हो सकता है सेम क्वेश्चंस आपको भी पूछे बिकॉज एक्सटर्नल के पास भी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो सेम क्वेश्चंस वो स्टूडेंट को रिपीट करेंगे, तो गाइस ये भी आपको हेल्प कर सकता है और हेल्प करता है, ठीक है, सेम क्वेश्चंस रिपीट होता है। और क्या कर सकते हो आप इंटरनेट पे जाके उस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और या तो गाइस अभी बोनस और सरप्राइज देने का टाइम आ गया है, अगर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में पूरा बिल्कुल भी नहीं है बट मैकेनिक्स बी डबल ई के सैम्पल क्वेश्चंस मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और कमेंट सेक्शन में पिन किया है, आप वहाँ पर जाके ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर दीजिए पीडीएफ, हो सकता है आपको इससे हेल्प मिल जाए, ठीक है, इसके साथ जितने भी मैंने अभी बताया है वो सारे चीज़ें को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हो गूगल पे जाके उस चैप्टर का नाम डालो और वाइवा क्वेश्चंस डालो, इसके ऊपर क्या क्या आ सकते हैं,
आपको डेफिनेटली वहां से आंसर मिल जाएंगे, तो उनको थोड़ा बाहर करो और सीधा जाके बोल दो, ठीक है। और कंसेप्ट्स जितने भी इजी है गाइस, इजी ही जाएगा आपका, मैं गारंटी देता हूँ। वाइवा आपका फर्स्ट वाइवा है, बट अभी मैं एक अच्छी चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर वाइवा बुरा जाता है, गंदा जाता है, तो आपको मुझे मैसेज नहीं करना, या फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कम मार्क्स आएंगे। तो गाइज ऐसा नहीं है गाइज, वाइवाज क्यों लिया जाता है, बिकॉज वो आपको बताता है कि आपको उस चैप्टर, उस सब्जेक्ट के बारे में कितना नॉलेज है। बट गाइज मैंने अभी तक देखा है, सेमिस्टर 6 तक मेरी ऐसी मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि सबको, सब स्टूडेंट को यार 20 प्लस देते ही है, फर्स्ट ईयर में तो 20 प्लस देते ही है, मैक्सिमम 18 प्लस मिलेगा ही मिलेगा, और 18 प्लस आउट ऑफ 25 इट इज़ अ गुड स्कोर, ठीक है। तो आपको बुरा फील होना नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज सबको मार्क्स अच्छे दिए जाते हैं वाइवाज में। और या तो गाइज वाइवा में कभी केटी किसी को नहीं आती। तो गाइज आई होप मैंने सारे पॉइंट जितने भी मुझे बताना था, ये वीडियो पूरा सिंगल टेक में दिया है मैंने, तो आई होप सब सारी चीज़ें क्लियर हुई रहेंगी। अगर कोई भी मेरा पॉइंट अगर मिस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए समीर शो एंड ऑल द बेस्ट।